प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 10 दिसंबर 2021 शुक्रवार का दिन है। माघशीष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और दर्शकों आज चंद्रमा कुंभ राशि में है और 11 डिग्री पर विद्यमान है। आज नक्षत्र शतभिषा है और नक्षत्र 21:49 और 18 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी राहुदेव है। आज कोई विशेष त्योहार भी नहीं है और आज का राहु काल 11:53 से 12:19 और 33 सेकंड तक रहेगा और राहु काल के अंदर हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:39 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, जो लोग भी शुक्र का रत्न धारण करना चाहते हैं वे आज कर सकते हैं और शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड दोनों में से आप कुछ भी धारण कर सकते हैं तथा कुछ लोग फिरोजा भी पहनते हैं, वो भी शुक्र का ही रत्न है और जरकन भी शुक्र का ही रत्न है। ऐसे में इनमें से कोई भी रत्न आप धारण अवश्य कर सकते हैं। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आज अपने घर के मंदिर में ही 2 अगरबत्ती जला करके ओम श्री शुक्र देवाय नमः इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है और ये उपाय हर जातक कर सकता है, चाहे फिर उसका कोई भी लग्न और कोई भी राशि क्यों ना हो। ये उपाय आप सभी को अच्छे परिणाम अवश्य देगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको राहु के संदर्भ में ही एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको पता भी होनी चाहिए। दर्शकों, राहु अद्भुत शक्ति का स्वामी है और राहु अक्सर कुंडलियों के अंदर अच्छे ही होते हैं। बहुत कम कुंडली ऐसी होती है जिसमें राहु खराब स्थिति में होते हैं, लेकिन राहु को बहुत बदनाम किया गया है कि राहु खराब होता है, खराब होता है, क्योंकि राहु ऐसी शक्तियों का स्वामी है जो आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने की ताकत रखता है। लेकिन एक चीज को समझना है, यदि इतनी बड़ी अप्रत्याशित सफलता राहु दिलाएगा तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण भी अवश्य होना चाहिए। यानी यदि आपके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जो आपको कुछ विशेष लाभ दिला सकती है या आपके अंदर कोई ऐसी योग्यता है जिसका प्रदर्शन आप बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो राहु आपको वही मौका दिलाने का काम करता है। यानी राहु अचानक से आपकी उस प्रतिभा को दुनिया के सामने लेकर आता है और फिर उसके बाद में आप एक चमकते सितारे की तरह इस दुनिया के अंदर विख्यात भी होते हैं। ये काम राहु करवाता है। लेकिन यदि राहु बहुत ज्यादा खराब हो तो चमकते सितारे को धूल में मिलाना, मिट्टी में मिला देना या उसकी पद प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म कर देना, ये काम भी राहु अवश्य कर सकता है। लेकिन यह तब होता है जब राहु आपकी कुंडली में बहुत ही खराब अवस्था में हो और राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रतिअंतर के अंदर आप कोई ऐसा निर्णय ले लें जिसका नुकसान आपको सड़क पर ला सकता है, ये तभी होगा। यदि आपने राहु को मौका नहीं दिया तो राहु आपको कुछ बड़ा नुकसान भी नहीं होने देगा। इसे यदि मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लीजिए आप रात को 1 बजे बहुत सारा पैसा लेकर के या बहुत सारे गहने पहन करके आप यदि कहीं जा रहे हैं तो आप स्वयं उन परिस्थितियों को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपके साथ कुछ अनिष्टकारी घटना घटित कराने की संभावना को जन्म देती है। ऐसे में यदि आपको रास्ते में कोई मिल जाए और वो आपको देखेगा कि आपने इतना सारा पैसा या इतनी सारी ज्वेलरी पहन रखी है, तो ऐसे में वो व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपके साथ किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, क्योंकि उसके मन में लालच पैदा करने का कारण आपने दिया है। लेकिन यदि आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि रात बहुत हो गई है, इस समय मुझे नहीं जाना चाहिए और मैं मॉर्निंग होने पर चला जाऊंगा, तो आप उस घटना को टाल लेंगे। या यदि जाना ही जरूरी है तो आप ये देखेंगे कि ज्वेलरी मुझे नहीं पहननी चाहिए और कोई जोखिम की चीज इस समय मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए। यदि इस चीज की भी आपने सावधानी रखी तो आप उस घटना को घटित होने से अवश्य बचा पाएंगे, क्योंकि राहु बिना कारण के कभी भी ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और ना बहुत बुरे परिणाम देता है।
राहु को जब तक कारण नहीं मिलेगा कुछ करने का, तब तक राहु आपको ना अच्छा फल देंगे और ना ही खराब फल देंगे। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत सालों से आप प्रयास भी कर रहे हैं, और जैसे ही राहु की दशा आई और राहु आपकी कुंडली में शुभ है, तो आप देखेंगे कि अचानक से फिर आपकी गायकी दुनिया को पसंद आने लगी है और आप रातों रात एक स्टार बन गए हैं। लेकिन उसके विपरीत यदि मान लीजिए राहु की दशा आ रही है, ना आप मेहनती हैं, ना आप शिक्षित हैं, ना आपके अंदर कोई विशेष योग्यता है, तो होगा ये, तो राहु बहुत सारे ऐसे मौके आने पर भी आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो वो दिलाना चाहता है, क्योंकि आपने उसको अपनी शक्ति दिखाने का कोई कारण ही नहीं दिया, कोई जरिया ही नहीं दिया। ऐसे में राहु एक चमत्कारी ग्रह है, अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, और राहु को यदि सही मौका मिलता है और यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, तो फिर वो आपको मालामाल भी जरूर करता है। और यदि राहु आपकी कुंडली में खराब है और आपने उसे मौका नहीं दिया कोई, तो राहु फिर आपका अहित भी नहीं करेगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से दशम का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:04 पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही मंगल देव है, सूर्य देव है और केतु देव विद्वान है। बुध धनु राशि के अंदर है, मकर राशि के अंदर शनि देव है और शुक्र देव है, कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा है और वृषभ राशि के अंदर राहु देव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज चंद्रमा के कारण से मन में शांति तो है, लेकिन आज आप अतिशक्ति के कारण से कुछ ऐसी बात कर बैठेंगे जिसके कारण से आपकी बात खराब हो, ऐसी संभावना बनती है। आज कोई बड़े वादे नहीं करने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वस्तु काल परिस्थिति को देख करके यदि आज अपने दिन के अंदर व्यवहार करेंगे, तो आपको फिर आज कोई भी नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज कोई बड़ी योजना आपके दिमाग पे चल रही है जिसको पूरा आप करना भी चाहते हैं। कुछ ऐसे लेन देन आपके दिमाग में चल रहे हैं जो आपको भविष्य में कुछ बड़े लाभ कराएं, इसकी संभावना को जन्म देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, व्यापार के अंदर, अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज के अंदर आज थोड़ा संभल करके निर्णय लेना। राहु आपको शक्ति तो दे रहा है कुछ बड़ा करने की, लेकिन कार्य क्षेत्र की परिस्थितियां आपकी उतनी अनुकूल नहीं है जितना कॉन्फिडेंस आपके साथ है। इसीलिए इस तालमेल को ध्यान में रखते हुए फिर आज अपने कार्य को आप पूर्ण कीजिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अप्रत्याशित सफलता के योग बनाता है। कॉम्पिटिशन में सक्सेस हो, इसके योग भी बनते हैं, तथा आज कुछ अप्रत्याशित धन लाभ के साथ साथ प्रॉपर्टी में यदि निवेश किया है तो वहां से भी कुछ शुभ सूचना आपको मिले, इसके योग बनते हैं। चंद्रमा के कारण से कार्य में कुछ लापरवाही हो सकती है, भाग्य का साथ आज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी राहु आपको आज अप्रत्याशित सफलता दिलाने की ताकत अवश्य रखते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। राहु आज आपको साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन आपके हर कार्य के परिणाम आपके पक्ष में आए, इसके योग बनाते हैं। बड़े बड़े सपने आप देख रहे हैं और उन सपनों के पूरा होने की संभावनाएं भी राहु आपको आज अवश्य दे रहे हैं। आज आप हर हाल में खुश रहने का प्रयास करेंगे और आज पाएंगे आप कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सब कुछ आपके आसपास हो भी रहा है। ऐसे में आज का दिन आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला भी बनता है और आपको एक सुखद अनुभव मिले, इसके योग भी आज अवश्य बनते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से मानसिक विचारों को बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज धन का आगमन भी सुगम रहेगा, वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा, धन परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा, तथा कार्य के अंदर कोई बाधा आ रही है तो वो भी आप बहुत ही प्रभावी ढंग से उसे दूर करके कार्यों के परिणाम अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य होंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज धन के लेन देन में सावधानी रखनी है तथा दूसरों पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना है। आज उधार लेने से भी अपने आप को आपको बचाना है, और राहु के कारण से भाग्य का साथ मिल रहा है और आज आप कोई भी कार्य को पूरा किए बिना नहीं रुकने वाले हैं। आज यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के परिणाम आपको पूरे
अवश्य मिलेंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। राहु की उपस्थिति अष्टम भाव में आज किसी गहरी चिंतन मनन करने वाली प्रक्रिया से आपको अवश्य गुजारेगा, यानी आज कुछ विशेष योजनाएं आप बनाएं। अपने आसपास की चीजों में बहुत बड़े परिवर्तन करने के बारे में आप विचार विमर्श करें, इसके योग अवश्य बनते हैं। रुका हुआ धन कैसे वसूल करना है इस संदर्भ में कोई बड़ी योजना बना करके आप कार्य करें, उसके योग भी बनते हैं। लेकिन चंद्रमा के कारण से आज कुछ फायदा आपको होगा इसकी संभावना बनती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान को भटकने नहीं देना है, एकाग्रचित होकर कार्य करना है। मात्र इतना सहज आप कीजिए, फिर देखिए आज के दिन कुछ विशेष लाभ भी आपको अवश्य होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से आज आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इसके योग बनते हैं। लेकिन राहु आज आपको भ्रम की स्थिति में भी अवश्य डालेगा। आज जो स्थिति आपके सामने है उसको ना देखते हुए आप कुछ अलग तरह की विचारधारा को बनाएंगे और जिसके कारण से कथनी और करने का फर्क आज आपके अंदर देखा जाएगा। ऐसे में अपने मन को एकाग्र करते हुए आपके सामने जो परिस्थिति है उसका आकलन करते हुए फिर आप निर्णय लीजिए, ये आज आपको अवश्य करना चाहिए। धनुराशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य में कुछ लापरवाही आज आपके देखने को मिलेगी तथा राहु के कारण से अप्रत्याशित बाधाएं भी आज आपके मार्ग में आएंगी। ऐसे में आप देखेंगे कि आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान अवश्य आ रहा है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपना एकाग्र रखिए और शांति के साथ अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, फिर देखिए आज का दिन आपका ठीक ही रहेगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। राहु के कारण से कुछ बड़े ख्वाब आपने देखे हैं और उनको पूरा करने के प्रति आप आज बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन चंद्रमा के कारण से कुछ आज धन का व्यय हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं। लेकिन आज आपके कुछ सपने पूरे हो, इसके योग बहुत प्रबल हैं। ऐसे में जो कुछ करना चाहते हैं बिना किसी डर के आज अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, आपको विशेष लाभ भी अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाला बन रहा है। लेकिन चंद्रमा के कारण से दिमाग में विचार बहुत घूम रहे हैं, जिसके कारण से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ऐसे में कंफ्यूजन को क्रिएट मत होने दीजिए, अपनी सुख सुविधाओं पर भरोसा कीजिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए, फिर देखिए जो आपके पास है उसी का बहुत बेहतर लाभ आप अवश्य अपने लिए उठा पाएंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा व्यय की अधिकता को दिखा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बात बड़ी यह है कि आज मेहनत तो बहुत अधिक होगी लेकिन परिणाम उतने नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अपेक्षा से कम आज आपके कार्यों के परिणाम रहे, इसके योग बनते हैं तथा धन का व्यय भी हो रहा है जो आप करना नहीं चाहते। ऐसे में धन का व्यय तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना आज कार्य की मेहनत आपके पक्ष में आपके रिजल्ट नहीं ला रही। ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उसको सबसे पहले कीजिए और आज अपने आप को फालतू के कामों से बचा के रखिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। दर्शकों, मैंने आज के गोचर के आधार पर आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।